Hello viewers, good morning and once again welcome back to the channel everyone. I hope you guys are doing absolutely fine. Well, yes, today I am very excited because today I am gonna write with Dr. 46. Actually, he's my very old friend, school ka friend hai. So, bahut dino baad uske saath write karne wala hu. And yes, I am completely ready. So, abhi time ho raha hai 7:30. So, late to ho chuka hai. Ek MotoGP racer hai, to uske liye wait karna hi padega. He's on the way. Thodi der baad nikalte hai. So, guys, see you in the road. Alright, so Dr. 46 आ चुका है and अभी हम लोग है ninth mile में time हो रहा है 8:15 तो बहुत ज़्यादा delay हो चुका है. Anyways, let's start our journey. Destination है krang falls which is in Joy. तो अभी time हो रहा है 9:30. तो yeah, maintaining a very good speed and अभी और I guess 120 या कितना kilometers करना है, not 110 kilometers cover करना है और krang falls के लिए अभी ऐसे speed जाना है हम लोग को. तो इस तरफ जाता है Umiam Lake and Shillong. तो अभी स्पेट जाएंगे, छोटा सा एक ब्रेक ले लिया है. यहाँ से अभी सिंगल लेन रोड है तो got off the wires. When I close my eyes, disconnected and tired. Just fired. It right, you came begging day and night. I don't wanna hit the bottom, don't go out of your state of mind. I've been counting 1 to 10. I'll be back when you be dead. With my music together again, I see you. Yeah, I see you go down. Yeah, I see you go down. I see you. Yeah, I see you go down. Yeah, I see you go down. And I know you keep asking me. Flames and fire, I know you are done with me. It's just fired. Fired. All right, so 105 kilometers done and 81 kilometers more to go for krang shuri. Okay guys, so let me introduce Dr. 46. He's my friend, very childhood friend, Deep Jyoti Deka. Hi.
तो बहुत ही ज़्यादा पुराना दोस्त थे एंड क्लास वन से हम लोग एक साथ थे टिल क्लास ट्वेल्व तक. तो आफ्टर ट्वेल्व तो हम लोग अलग अलग हो गए एंड ये नॉर्थ गुवाहाटी चला गया है. और पहले गुवाहाटी में ही रहता था लेकिन अभी नॉर्थ गुवाहाटी में रहता है. तो आज बहुत दिनों बाद मेरे साथ आया है राइड पर. लास्ट कितने गुस्सा हुआ ट्वेल्व तक देना है बार. तो मेरा जो फर्स्ट राइड था इसके साथ ही था. हम लोग बड़ावानी तक आए थे तब मेरा बाइक था एंड इसका स्कूटी था. तो और दो तीन फ्रेंड्स है उन लोगों के साथ भी आया था. तो आज सेकेंड टाइम हम दोनों का लॉन्ग राइड है. लॉन्ग राइड ना लॉन्ग राइड लॉन्ग. हाँ प्लान तो था अलग जगह जाने का लेकिन क्रांग सुरी के लिए ये पागल है. तो मेरा तो मूड बिल्कुल भी नहीं था क्रांग सुरी आने का लेकिन इसके वजह से मुझे आना पड़ा. बहुत ज़्यादा बोल रहा था क्रांग सुरी चलो 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 देख लो अच्छी तरह. डॉक्टर 46 है एंड ये ज़्यादातर लॉन्ग राइड नहीं करता है. सिटी राइडर है तो बहुत ज़्यादा सिटी राइड करते रहता है एंड मेरी तरह लॉन्ग राइड पर नहीं जाता है. तो इसका फर्स्ट टाइम है 180 किलोमीटर्स. घर जाके इसको पता चलेगा कितना इसका बॉडी. ओके सो दीप के साथ जो फ्रेंड आया था हेयर तो इसका नाम है प्रत्युष. और ये दीप के साथ आया था एज अ पिलियन. फिर मेरे घर से मेरा पिलियन बन गया बिकॉज डॉक्टर 46 को बहुत ही खतरनाक वाला कॉर्नरिंग लेना था. तो विद पिलियन ये कॉर्नर नहीं ले सकता है तो ले लिया. वेलकम टू जायंती हिल्स. ओके तो जायंती हिल्स एंटर कर चुके हैं हम लोग. ऑल राइट तो डाइवर्जन मिल चुका है तो अभी यहाँ से राइट लेना है और थ्रांगसरी फॉल्स. क्रांगसुरी वाटरफॉल यहाँ से है 28 किलोमीटर. चलो अभी यहाँ से राइट लेके जाना है. गाइस जस्ट लुक एट दिस वाओ. तब बागोरी को मजा लगेगा ना. तो यहाँ से थोड़ा सा पैथ खराब है. ये पार्ट थोड़ा सा जंगल एरिया टाइप है. रेनिंग तो बारिश भी दे रहा है प्लस फॉग भी है एंड अभी यहाँ से रोड अच्छा है. हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिर रही है प्लस फॉग है. इसी को तो कहते हैं एडवेंचर. एकदम मस्त मक्खन रोड के साथ ये वादियाँ प्लस नेचुरल ब्यूटी. वाव ये सब जो दिख रहा है ये सब जो होल दिख रहा है यहाँ से आई गेस कोयला निकलता है. तो कोयला को आई गेस इंग्लिश में ब्लैक स्टोन बोलते हैं. तो यहाँ पर फोटो सेशन चालू है और अभी टाइम हो रहा है 12:30. तो हमें और कांसरी फॉल्स के लिए 15 किलोमीटर जाना है. तो बस थोड़ा सा यहाँ पर रुके बिकॉज पूरा फॉग है. एवरीवेयर इज फॉग है एंड अभी बारिश खत्म हो चुका है. आराम से जाएंगे एंजॉय करेंगे. तो गाइस विजिबिलिटी एकदम से नहीं है. तो फाइनली मिल चुका है. वेलकम टू क्रांगसुरी वाटरफॉल. तो आगे जाकर राइट लेना सॉरी लेफ्ट लेना है 1 किलोमीटर से. ओके सो फाइनली वी रीच क्रांगसुरी फॉल्स. अभी डाउन स्टेयर जाना है. दीप का हालत पूरा खराब हो चुका है.
वो बोल रहा है कि अभी अभी ये कुछ खाएगा, अदरवाइज ये नीचे नहीं जा सकता है। अभी हम लोग थोड़ा कुछ खा लेते हैं, बिकॉज मैंने और दीप ने सुबह कुछ नहीं खाया था, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, ये चाय भी किया था, मैं तो कुछ भी नहीं खाया, बस पानी भी किया था। तो अभी मैगी वैगी कुछ खा लेते हैं, देन नीचे जाएंगे। तो चलो कुछ खा लेते हैं, क्या मिलता है यहाँ पर देख लेते हैं। वी ऑल आर हैविंग मसाला कप्पा नूडल्स। तो 1:30 टाइम हो चुका है, पता नहीं कब नीचे जाएंगे। सबसे ज़्यादा लेट इसने किया, इन दोनों ने किया सबसे ज़्यादा लेट, बिकॉज गुवाहाटी से आते समय बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था हम लोग, और बारिश की वजह से भी थोड़ा स्पीड कम हो चुका था। नूडल्स खाते हैं, देन नीचे चलते हैं। ऐसे जाएंगे गैस। तो हमें अभी नीचे जाना है, एंड डेट पार्ट इज वाटरफॉल। तो वो साइड से अगर आता तो व्यू देखने को मिलता जो वाटरफॉल है, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग यहाँ से आ गए, तो अभी नीचे चलते हैं। ओके, सो वी एंटर्ड, वी पेड अराउंड 40 रुपीज फॉर एडल्ट एंड चिल्ड्रेन फॉर 20 रुपीज। तो अभी नीचे चलते हैं, व्यू देखते हैं। सो लेट्स गो। तो दीप आज बहुत ही ज़्यादा खुश है, तो ये बोल रहा है कि स्विम करेगा लाइफ जैकेट पहन कर। तो बस इसको डुबकी लगाना है। तो पहले क्या होता था, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, यहाँ पर लाइफ जैकेट पहन कर उतरने देते थे पानी में, बट अभी पानी का जो स्पीड है वो ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर उतरने का अलाउ नहीं है। तो ऊपर है, ऊपर बोटिंग भी होता है, तो बोटिंग भी कर सकते हो यहाँ पर आकर। तो जहाँ पर बोटिंग हो रहा है वहाँ पर लाइफ जैकेट पहनकर लोग स्विम कर रहे हैं। यहाँ पर कैंप साइट भी है, तो
लाइफ जैकेट पहन कर स्विम कर सकते हो, डुबकी लगा सकते हो, तो यही पार्ट है। एंड नीचे अभी अलाउ नहीं कर रहे बिकॉज जो फ्लो है वो थोड़ा ज़्यादा स्पीड है, तो अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 3:40, तो अभी फटाफट निकलते हैं यहाँ से, मैं आपको डायरेक्ट ऊपर जाके मिलता हूँ। तो ऊपर आ चुके हैं और अभी टाइम हो रहा है 4। दीप को कैसा लगा, अगर कैन का लगे ये ऊपर चढ़ने में इसका एकदम हालत टाइट हो गया है। तो इन दोनों का फर्स्ट टाइम था, मैं तो बहुत बार आ चुका हूँ, आज मेरा 4th टाइम होगा शायद। तो मुझे भी अच्छा लगा इन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करके, राइड करके बहुत मज़ा आया दीप के साथ। दीप मतलब डॉक्टर 46 हेल राइडर। 5 hours later तो फाइनली पहुंच चुका हूँ गुवाहाटी। अभी दीप और प्रत्युष अपने घर जाएगा नॉर्थ गुवाहाटी और मैं अपने घर। तो बाय बाय। तो लेट हो चुका है हम सब का। A few moments later. So yep guys, घर पहुंच चुका हूँ एंड अभी टाइम हो रहा है 9:55। तो या बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा आज राइड पर जाकर एंड डॉक्टर 46 एंड हिज फ्रेंड प्रत्युष। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक लाइक तो ज़रूर बनता है हमारे दोस्ती के नाम पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल भी मत जाना। और अगर ज़्यादा पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, स्पेशली डॉक्टर 46 एंड प्रत्युष, तुम दोनों को तो शेयर बिल्कुल करना पड़ेगा। और सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल भी मत जाना। सो विद दैट सेड, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज एंड एज ऑलवेज राइट से दिस इज आर टू आर साइनिंग ऑफ। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू।